हेलो गाइज, आइए फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका किसी भी बैंक का अकाउंट हो तो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स एक एप्लीकेशन को लोड करना पड़ेगा आपके अपने मोबाइल में। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप डायरेक्टली उस लिंक के माध्यम से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और चलिए फ्रेंड्स मैं आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ और डायरेक्टली बारीकी से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि किस तरह से डाउनलोड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन जैसे कीजिएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको टाइप करना होगा ऑल बैंक बैलेंस चेक, इतना फ्रेंड्स सर्च कीजिएगा। और जैसे ही इसको आप सर्च कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऑल बैंक बैलेंस इंक्वायरी चेक, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स चार नंबर पे ये एप्लीकेशन आया है, ठीक है। तो चलिए इसको ओपन कर देना है। चलिए मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ। जैसे इसको ओपन कीजिएगा फ्रेंड्स तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन आएगा, तो आप अपने मोबाइल में आसानी से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे इंस्टॉल कर लीजिएगा फ्रेंड्स तो इस तरह का ऑप्शन आपको दिखाई देगा वहाँ पर ओपन करने के लिए। तो मेरा मोबाइल में ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है फ्रेंड्स, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। जैसे इसको ओपन करूँगा फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है स्टार्ट पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट पे मैं फ्रेंड्स क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे स्टार्ट पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक बैलेंस चेक ईएमआई कैलकुलेटर, यानी कि बहुत सारी फंक्शन इसमें फ्रेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको किसी भी बैंक का चेक करना हो तो इसके लिए यहाँ पर आपको फ्रेंड्स क्लिक करना पड़ेगा ऑल बैंक पर, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी बैंक का नाम आ गया, ठीक है। जिस बैंक का आपको चेक करना हो उस बैंक का चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देख रहा हूँ, तो इस पर जैसे मैंने क्लिक किया फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे बैलेंस चेक पे, यानी कि बैंक बैलेंस चेक पे, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर एक नंबर आएगा। इस नंबर पर फ्रेंड्स आपको मिस कॉल दे करके अपना मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, यानी कि बैंक बैलेंस देख सकते हैं आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। और ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स इसी नंबर पे जो बीच वाला नंबर है इसी नंबर पे फ्रेंड्स आपको फ़ोन करना है और कट कर देना है, यानी कि मिस कॉल दे करके फ्रेंड्स कॉल को कट कर देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके मोबाइल पे एक रिटर्न मैसेज आएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा आपका अवेलेबल बैलेंस कितना है आपके अकाउंट में, और आपके अकाउंट का 4 डिजिट लास्ट में लिखा हुआ रहेगा, और आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है वो भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर इलाहाबाद का बैंक का चेक करना हो चाहे किसी भी बैंक का, तो फिर इस पर आइएगा इस पर बैक हो करके। और जैसे फ्रेंड्स इस पर आइएगा तो आपको जिस भी बैंक का चेक करना हो, जैसे मुझे इलाहाबाद का चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इलाहाबाद बैंक चूज कर लूँगा, ठीक है। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ पे है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे इस पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ बैंक बैलेंस चेक पर मैं जैसे यहाँ क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका नंबर आ जाएगा, तो ये बीच वाला जो नंबर है यहाँ मिनी स्टेटमेंट पर, तो इस पर क्लिक करके हम डायरेक्टली कॉल करके फ्रेंड्स इस नंबर पे मिस कॉल दे करके अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह से हमको आशा है कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा और बढ़िया से आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए सबसे पहले मैं चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर एक फैसिलिटी को मतलब कि एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। इलाहाबाद बैंक का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का दोनों का अलग अलग मैंने बता दिया है कि किस तरह से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ये फैसिलिटी को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करके आप मिस कॉल दे करके चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो को जाकर देख लीजिए, और देख करके फ्रेंड्स इलाहाबाद का हो तो इलाहाबाद का देख लीजिए किस तरह से रजिस्टर किया जाता है मोबाइल में और चेक किया जाता है, और उसके बाद किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रजिस्टर किया जाता है उस फैसिलिटी को, और उसके बाद तो मिस कॉल दे करके आप बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं जिस बैंक का कमेंट आएगा उस बैंक का मैं एक अलग से वीडियो बना करके आपके बीच लाऊंगा और आपको बारीकी से समझाऊंगा, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड्स आप टोटल बैंक का यहां से देख सकते हैं, और आप टोल फ्री नंबर निकाल करके और उस पर मिस कॉल देकर के फ्रेंड्स अपना बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमको आशा है फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और जरूर कर दीजिएगा लाइक, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स एक और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।